मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, लोकसभा के संसद का सत्र शुरू हो चुका है। लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त होने तक सदन को चलाने की जिम्मेदारी प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब के हाथों में दी गई है। पहले दिन नवनिर्वाचित लगभग 266 सांसदों ने शपथ ली। इनमें सबसे पहला नाम आया था पीएम नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद एक अलग ही नजारा देखने को मिला। जब पीएम मोदी शपथ ले रहे थे तो उस वक्त राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया कि हर किसी की नजर उन पर ही चली गई। दरअसल जब पीएम मोदी शपथ लेने के लिए डायस पर चढ़ रहे थे तो विपक्षी खेमे में बैठे राहुल गांधी ने उन्हें संविधान की प्रति दिखा दी। संसद के अंदर के 8 सेकंड का वीडियो कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है, जिसमें पीएम मोदी और राहुल गांधी को हाईलाइट किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी शपथ लेने जा रहे थे तो राहुल गांधी समेत विपक्षी खेमे में बैठे सांसदों ने उन्हें संविधान की प्रति दिखाई। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा, जननायक ने नरेंद्र मोदी को संविधान दिखाया। इसके साथ ही अखिलेश यादव भी आपको बगल में बैठे नजर आ रहे होंगे। आपको बता दें कि जब अमित शाह भी शपथ लेने जा रहे थे उस दौरान भी राहुल गांधी ने बिल्कुल ऐसे ही उन्हें संविधान की प्रति दिखाई थी। लेकिन इन सब के बीच एक स्वस्थ राजनीति की भी झलक देखने को मिली। जब पीएम मोदी ने सांसद के रूप में शपथ ली उसके बाद वो सदन में मौजूद सभी सांसदों का अभिवादन कर रहे थे। इस बीच उन्होंने पंक्ति में आगे बैठे रायबरेली से सांसद राहुल गांधी का भी अभिवादन किया। राहुल गांधी भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी अपनी सीट से मोदी का दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। साथ ही सपा सांसद अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी के आगे हाथ जोड़ दिए। संसद के अंदर से आई ये तस्वीरें अब चर्चा का विषय बन गई है। तस्वीर में एक और चीज थी जिसे एक बार में आप ना देख पाए हो। राहुल गांधी जब मोदी का अभिवादन कर रहे थे उस वक्त भी उनके हाथ में संविधान की कॉपी थी। ये राहुल गांधी का मोदी को एक तरह से जवाब भी था। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली से सांसद चुनकर आए हैं। हालांकि उन्होंने सदन की कार्यवाही से पहले वायनाड सीट छोड़ दी और रायबरेली से सांसद रहने का फैसला किया था। वायनाड से अब उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। वहीं उनके बाजू में बैठे सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। वहीं संसद सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने इमरजेंसी को लेकर भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला था। फिलहाल सोशल मीडिया पर ये दो तस्वीरें काफी वायरल है। आप इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।